हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी एक बात का आपको इम्पॉर्टेंट बात पे ध्यान देना है कि अभी आपका 6 फरवरी से फॉर्म फिलअप हो रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड का। सिर्फ इसमें मेल कैंडिडेट्स फिल कर सकते हैं, गर्ल्स कैन नॉट बी अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, एक चीज़ नहीं बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना होगा। पहली बात तो फोटो को लेकर कि फोटो किस तरीके का होगा आपका, और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और किन मतलब वो डेट होता है ना कि एक्सपायरी डेट ऑफ एक्सपायरी या फिर उनका लिमिट डेट होता है किस क्रूशियल डेट जिसको आप लोग जानते हो। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा क्रूशियल डेट क्या होता है, बट मैं बताऊंगा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट जैसे OBC सर्टिफिकेट बनवाना है, SC ST बनवाना है, EWS बनवाना है, सब कुछ इस डेट से पहले बनवाओगे। फोटो कैसा चाहिए सब चीज़ इस वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा। ठीक है, तो पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखो आराम से स्टेप बाय स्टेप। बट इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक 0DB के लिए अभी सेक्शन 1 के लिए स्पेशली देखो यांत्रिक में भी, यांत्रिक है तो वैकेंसी है नहीं, GD में भी और DB में भी दोनों का सेक्शन 1 होता है। ठीक है, GD में सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दोनों पेपर होता है। तो सेक्शन 1 के पेपर के लिए और DB के सेक्शन 1 के पेपर के लिए हमने पेड कोर्स स्टार्ट कर दिया A to Z स्टडी ऐप पर। तो आप A to Z स्टडी ऐप को डिस्क्रिप्शन में आप जाओ, लिंक है वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो या फिर गूगल प्ले स्टोर से ऐसे भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। और वहाँ पे जस्ट 900 रुपीज़ में सेक्शन 1 की कंप्लीट कोर्स को कर लोगे। और ये वीडियो कोर्सेज के अलावा ना देखो सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स होता है, साइंस होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, इसके अलावा आपका GK GS होता है। हर चीज़ को हम लोग यहाँ पे कवर कराएंगे वीडियो क्लास के अंदर। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी देंगे, साथ में चैप्टर वाइज क्यूज करके देंगे, जो भी पढ़ोगे आप उसका प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा देंगे। साथ में सारी PDFs आपको मिल जाएगी फ्री में, आपको अलग से ना कोई बुक खरीदना पड़ेगा, ना कोई टेस्ट सीरीज खरीदनी पड़ेगी, ना कोई PDF खरीदना पड़ेगा, सब कुछ 900 रुपये में आपको मिल जाएगा इसी के अंदर। और हाँ, आप में से जितने भी लोग अगर सिर्फ चाहते हैं ना कि हम अभी 900 रुपये पे नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें सर, आप 300-300 रुपये पे करके 3 टाइम में दे दो। 300 रुपये प्लस में 6-7 रुपये और एक्स्ट्रा लगेंगे इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज या फिर आप टैक्स जिसको कहते हो वो, तो 307 करके 3 बार में पे कर दो। अगर मैं ये कहूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास 900 रुपये है तो एक बार में पे कर दो, बिकॉज इससे फ़ायदा ये होगा ना कि जैसे ही आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डेट वो जैसे एक्सपायर होगा तो पूरा कोर्स आपका एक्सपायर हो जाएगा। इसलिए कोशिश करना कि 900 रुपये में आप पे करके कोर्स को बाई कर लो। अदरवाइज अगर 307 में बाई करते हो तो डेट याद रखना, 1 महीना खत्म होने से पहले दूसरा इंस्टॉलमेंट पे कर देना। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है बाई करने में तो हमारी टीम को व्हाट्सअप करो 7279047787 पे। ठीक है, और आप पेड कोर्स बाई नहीं करना चाहते हो, सिर्फ हमारी PDF बाई करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पे मैसेज करके बाई कर सकते हो, पूछ सकते हो, या फिर आपको A to Z स्टडी ऐप पे कोस्ट गार्ड का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, व्हाट्सअप करो ज़्यादा जानकारी के लिए। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि फोटो कैसा चाहिए फॉर्म फिलअप के लिए। सबसे पहले फोटो के बारे में ध्यान दो, सबसे ज़्यादा गलत करते हो ना फोटो, तो फोटो आपकी चाहिए कैसी, तो एक फोटो एक इंसान की वैसी होगी ना कि आप स्लेट लेके उसके ऊपर अपना नाम डालोगे और नीचे जिस दिन फोटो खींच रहे हो, फॉर्म फिल जिस दिन कर रहे हो उस दिन का डेट डाल देना। ठीक है, ये सही रहेगा। जैसे कुछ लोग 6 तारीख को, 6 फरवरी को करेंगे, कुछ लोग 7 फरवरी को करेंगे, कुछ लोग 8 को करेंगे, इवन आप 15 फरवरी को भी कर रहे हो तो उसी दिन का डेट डाल दो चलेगा। लेकिन ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपल सा एक लॉजिक है, जिस दिन फॉर्म फिलअप हो रहा है उसी दिन का डेट डालो। ये बहुत बढ़िया तरीका है फॉर्म फिल करने का। और हाँ, बैकग्राउंड से रिलेटेड जो सवाल है तो आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो कि बैकग्राउंड का क्या कहा गया। देखो ये कह रहा है ना बैकग्राउंड के लिए कि पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 मंथ्स प्रियर टू द डेट ऑफ ओपनिंग एप्लीकेशन, 3 महीना पुराना नहीं होना चाहिए। तो अब ये 3 महीना बैठ के तो आप कैलकुलेट करोगे नहीं अगर पहले का फोटो आपके पास है तो। ठीक है, अगर आपके पास 3 महीने पहले हो जाता है, जैसे आप फरवरी में कर रहे हो ना तो जनवरी, ठीक है, दिसंबर, नवंबर, तो नवंबर से इवन आपका पहले का नहीं होना चाहिए, तो उतना आप कितना काउंट करोगे। इससे अच्छा है कि आपको बहुत सारे फोटो जरूरत पड़ेंगे अगर आप स्टेज 1 क्लियर कर लेते हो तो नया फोटो खिंचवा लो और उसी को बना लो। ठीक है, और ये कह रहे ना कि फ्रंट कह रहा है पोर्ट्रेट इन लाइट बैकग्राउंड मतलब विदाउट हेड गियर। देखो बैकग्राउंड में कलर कोई मायने नहीं रखता कि व्हाइट है ब्लू है, हाँ, लेकिन हल्का कलर होना चाहिए बैकग्राउंड में, और वो जो नाम होना चाहिए कैपिटल लेटर में, ठीक है, स्लेट लेके, और चौक से ध्यान से देना, डिजिटल मत बनवा लेना, अभी टाइम है फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, डिजिटली नाम मत लिखवाना, चौक से लिखना है। और नीचे आपका क्या होना चाहिए, डेट लिखा होना चाहिए जिस दिन फोटो खींच रहे हो, ठीक है, और टोपी चश्मा पहन के फोटो नहीं होना चाहिए तो क्लियर है। इसके अलावा कैंडिडेट का सिग्नेचर, कोशिश करना कैंडिडेट का सिग्नेचर इंग्लिश में हो जैसे आप बैंक वगैरह में करते हो, लेफ्ट हैंड का थंब चाहिए आपको। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जैसे 10th का मार्कशीट हो गया डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट अपलोड कर देना, बर्थ सर्टिफिकेट बहुत लोगों के पास नहीं होगा। आइडेंटिटी के लिए अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार डाल दो, या फिर पैन है तो पैन डाल दो, ड्राइविंग लाइसेंस तो मुझे लगता है कि बहुतों के पास नहीं होगा तो आधार या पैन से काम चलाओगे। ठीक है,
सर्विस सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं होगा क्योंकि सारे बेरोजगार लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं इसको, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप बनवा लोगे, और जितना भी सर्टिफिकेट डोमिसाइल होगा इसके अलावा देखो जितना भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा फॉर्म फिलअप के पहले बनवा लेना आप लोग। तो इतना ही आपका जो है ना जो चीज़ें हैं वो था, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड जो था वो सभी चीज़ें मैंने बता दी। कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो होगा, जैसे एससी एसटी का सर्टिफिकेट होगा, ओबीसी का सर्टिफिकेट होगा, तो इससे रिलेटेड हर बार आपका एक ही सवाल होता है। तो देखो यहाँ पे लिख रखा गया, ध्यान से देखना, इन केस ऑफ एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईडब्ल्यूए जितने भी लोग हैं वो अगर इस कोटा से भर रहे हैं ना, तो इनके लिए एक चीज़ ध्यान देना होगा, गवर्नमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट पे होना चाहिए, अदर कोई फॉर्मेट नहीं। जरूरी नहीं कि कोस्ट गार्ड के वेबसाइट पे जो है वही फॉर्मेट नहीं। देखो आपके स्टेट में जो है या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, बंगाली लैंग्वेज में या फिर तमिल लैंग्वेज में नहीं, या तो हिंदी में होना चाहिए या तो फिर इंग्लिश में होना चाहिए, यही दो लैंग्वेज होनी चाहिए सर्टिफिकेट के, ठीक है। हिंदी भी होगा तो चलेगा, इंग्लिश भी होगा तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो डेट होना चाहिए वो फॉर्म फिलअप के पहले का होना चाहिए। 16 फरवरी को भी बन जा रहा है तो चलेगा, या फिर 16 फरवरी से पहले का होना चाहिए। और ओबीसी के ऊपर या तो बार कोड या फिर क्यूआर कोड होना चाहिए, ये चीज़ कहा जा रहा है ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए, ये सभी चीज़ें मैंडेटरी है। एससी एसटी पे शायद नहीं रहता है, बट ओबीसी के ऊपर सिर्फ यहाँ पे लिख रखा है ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट के ऊपर आपका क्यूआर कोड होना चाहिए, क्लियर है। तो ये सभी चीज़ें आपका जो है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की साइज़ के बारे में कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो डॉक्यूमेंट्स की साइज़ के बारे में देखो कह रहे ना कि देखो डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बिटवीन 50 से 150 KB, ठीक है। ये कहा द डेट ऑफ इशू ऑल डॉक्यूमेंट्स, देखो डेट जो है यहाँ पे दे रखा है, जो भी डॉक्यूमेंट्स मिल रही आपको एससी 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 एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल का जो है ना, वो कह रहा है कि स्टेज टू हैज़ टू बी, मतलब जो स्टेज टू में मांगेंगे जो वो आपको 16 फरवरी 2023 से पहले का मांगेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है क्लियर है, 16 फरवरी 2023, और ओबीसी जनरली 3 साल के लिए वैलिड होता है, तो ये चीज़ आप समझ के रखना। और आप जो सर्टिफिकेट बनवाए हो वो 3 साल किस तरीके से मैटर करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वो 31 दिसंबर 2023 तक वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने 22 में भी बनवाया है ओबीसी 2022 में तो चलेगा, 2021 में भी बनवा रखा है तो वो चल जाएगा, ठीक है, और 2023 में बनवा रहे हो अभी तो चलेगा, लेकिन 16 फरवरी से पहले का होना चाहिए। तो इसके अलावा नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगा। बाकी एग्ज़ाम फी वगैरह जो है 300 लग रही है, वो बाकी आप कैफ़े वगैरह में भरवाओगे तो कुछ और पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना भी सर्टिफिकेट और सबसे जो गलत होने वाली चीज़ें थी मैंने बता दिया, इन सबको गलती मत करना। अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, ध्यान से सुनना, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, ये सभी चीज़ों को थोड़ा सही से फिल करना, मार्क्स वगैरह जो फिल करना होगा सही से फिल करना, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा नाम गलत हो गया। फॉर्म फिल जहाँ पे बैठ के करवाओगे कैफ़े वालों के पास, तो वो थोड़ा गलत करते हैं, एक दो थप्पड़ देते रहना गलत करेंगे तो। और बार बार नज़र रखना, नज़र गड़ा के उनके भरोसे मत छोड़ना, क्योंकि पिछली बार कोस्ट गार्ड में इवन एयरफोर्स के एग्ज़ाम में बहुत लोगों का फॉर्म गलत किया जाता है, ठीक है। वो लोग गलत कर देते हैं क्योंकि उनके पास एक आफी नहीं हो, बहुत सारे लोग आपके जैसे जाते हैं तो वो लोग गलत कर देते हैं जल्दीबाजी में। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान रखना, बिकॉज पैसा लग रहा है, 300 रुपये लगेगा, वो अपना चार्ज लेगा। तो अगर आप खुद से फिल करो चाहे किसी से फिल कराओ, इन सभी को सिक्योर होकर थोड़ा सा अलर्ट होकर आप कराना, ताकि आपका फॉर्म सिक्योर रहे, अदरवाइज एग्जाम में एंट्री नहीं देंगे अगर नाम, डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम और एड्रेस मैच नहीं करेगा तो, ठीक है ना। और जाने से पहले फिर से आपको याद दिला दूं, हमारे टीम को व्हाट्सअप करो या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ऐप को डाउनलोड करो, एटीजेड स्टडी ऐप को, और वहां से जाके पेड कोर्स को बाई कर सकते हो जस्ट 900 रुपये में। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7279047787 पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो जल्दी हम लोग टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।